जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि हम अपनी कराची के हुकूक की इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और 4 तारीख को वाटर बोर्ड के दफ्तर पर हमारा एक तारीखी धरना होगा, एहतजाज होगा, कराची के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, उन सारी आबादियों की हम नुमाइंदगी करेंगे जिनको पानी नहीं मिल रहा, और हम पूछना चाहते हैं कि इसमें वाटर बोर्ड कर क्या रहा है। ये तो सिंध हुकूमत के तहत है और अब तो चेयरमैन इसके मुर्तजा वहाब साहब है, क्या इनके जहन में नक्शा है? जो अवेलेबल पानी है वो हमारे नलकों में क्यों नहीं आ रहा? क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है? क्यों मखसूस आबादियों को टारगेट कर रहे हैं लिसानी मुराफरत के लिए? क्यों कराची में ये चाहते हैं कि दोबारा से लोग लड़ने लगे? नहीं लड़ेंगे, सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा महाकमा करेंगे, तुम्हारा एहतसाब करेंगे। तुम इस बुनियाद पर इंतकाम नहीं ले सकते कि इस आबादी ने जमात इस्लामी को वोट डाला, ये कैसे तुम कर सकते हो? कैसे तुम हमारे पूरी पूरी आबादियों का पानी बंद कर सकते हो? इसलिए हम पहुंचेंगे कराची के अवाम इंशाअल्लाह एक तारीखी धरना देंगे वाटर बोर्ड पे और हम अपना हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला।